नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हम 148B जनरल हाईवे महेंद्रगढ़ के पास मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो जल भराव पहली और दूसरी बारिश में हुआ है। और ये जो जल भराव है ये लगातार ऐसे ही बारिश आती है तो ये जल भराव प्रतिदिन तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके बीच हाजिर हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे बरसात होती है तो अनेक जगह जो शहर के अंदर जल भराव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से नगर पालिकाओं में काम रुका हुआ है, नगर पालिका में नालों की साफ सफाई नहीं हो रही है और ये जो जल भराव की स्थिति से कॉम्प्लेक्स है ज़्यादातर यहाँ पर दिक्कत आती है। लेकिन एक समस्या एक और खड़ी हो गई है 148B पे। अभी करीब 3 महीने पहले ये रोड बना था और 3 महीने के करीब होने के बाद भी ये देखिए ये जो कुछ जो आधा हिस्सा है यानी कि फ्लाईओवर से लेकर के और सतनाली मोड़ तक और सतनाली मोड़ से थोड़ा आगे यहाँ तक तो नाले बनाए गए थे और उसके बाद जो है सतनाली मोड़ से आगे कुछ कोर्ट की तरफ चलते हैं और कैची मोड़ यानी कि पायगा की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे नाले नहीं बनाए गए, जिसके चलते ये जल भराव की स्थिति बन गई है। यहाँ पे दुकानें हैं, दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं जो दुकान के जो लोग हैं वो अब अपनी दुकानों में नहीं जा सकते और जो दुकानों के बाहर जो है ये पूरा का पूरा रोड जो है पानी से भर गया है। आप देख सकते हैं जो आने जाने वाले जो साधन है व्हीकल है वो भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको भी। और मेन बात यह है कि ये 3 महीने रोड बना, आनन फानन में रोड बनाया क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे और इनको जो है ये गिनाना था कि हमने ये एक विकास कार्य करवाए, लेकिन उन्होंने ये ध्यान में नहीं रखा कि ये जो विकास कार्य करवा तो रहे हैं लेकिन उनका कोई सही इंतज़ाम तो करवाएं, क्योंकि दोनों तरफ नाले बनाने बहुत ज़रूरी थे। और अब ये मानसून का टाइम है, मानसून की दूसरी या तीसरी बारिश है और तीसरी बारिश के बाद जो आप देख सकते हैं ये इतना जल भराव यहाँ पर हो गया, यहाँ पे निकलना भी दुश्वार हो गया है। सभी दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के अंदर हैं और अभी तक जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ये कोर्ट का भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, जो कोर्ट का मेन गेट है मेन गेट पे भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, पैदल चलने वाले लोगों को भी समस्या है। तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका दोनों तरफ नाले बनाए जाएँ और पानी की निकासी के लिए कोई ना कोई जल्द इसका समाधान किया जाए। अगली अपडेट के लिए हम हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।